हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल एग भुर्जी। तो यहाँ मैंने इसके लिए हैं 4 अंडे और मैंने इसको बॉईल करके इस तरीके से काट रखा है। एक इसमें हम अंडा लेंगे, बाद में इसे हमें हाफ फ्राई करके डालना है। 1.5 लिया है मैंने टमाटर, इसको मैंने चॉप कर रखा है। 1 मीडियम साइज़ के लिए है प्याज और इसको भी मैंने चॉप कर रखा है। 1/2 टीस्पून हम नमक लेंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। यहाँ ऊपर से हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो मैंने 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले रखी है। 4 मैंने हरी मिर्चें ले रखी हैं और इसको मैंने चॉप कर रखा है। पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले रखा है, तो इसमें डाल देंगे हम 1/2 टी स्पून जीरा और साथ ही में डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज। प्याज को 1 मिनट ही फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे टमाटर और साथ ही में डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। तो यहाँ इसे हमें हल्का सा मैश करते हुए फ्राई करना है, कम से कम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसको हमें अभी मसाले के साथ फ्राई करेंगे कम से कम 1 मिनट के लिए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे और इसको भी हम मैश कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे और गैस को ऑफ कर देते हैं। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। पैन में थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, इसमें अंडा डाल देंगे और अंडे को इसमें हमें हाफ फ्राई करना है ओनली। तो 1 पिंच डाल देंगे इसमें सॉल्ट और 1 पिंच ही हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्ची पाउडर। इसको अंडे के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। बटर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं। इस सर्विंग टाइम पे इसमें थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं बटर का। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आती है ढाबा स्टाइल एग भुर्जी। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। गुड बाय। हैव अ गुड डे।